रहमान रहीम देसी हिकमत टिप्स चैनल देखने वाले तमाम मेरे नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में पुदीने का कावा लेके आया हूँ। ये किन अमराज पे इसका जो इस्तेमाल किया जाता है पुदीने के कावे का। दोस्तों, अगर किसी को बदहज़मी है, तजाबित है, मेदे में जलन है, गैस है, उसके लिए ये पुदीने का कावा बहुत ज़बरदस्त अहमियत का हमल है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत ये पुदीना है। हमारे घर में इसको ख़ुद मैंने इधर काश किया था। ये देखें, ये हर घर में मौजूद होना चाहिए। ये इसकी जो चटनी दही के इस्तेमाल करते हैं, ये देखें बहुत खूबसूरत है। अब चलते हैं कावे की जानब। ये आपने इसका कावा किस तरीके से तैयार करना है, ये देखें, ये पत्थर हैं इसके। आइए अब चलते हैं ये कावा किस तरीके से तैयार करना है। जी दोस्तों, अब मैं आपको कावा बनाने का तरीका बताऊंगा। ये देखें, आपने करना क्या है, 2 कप पानी लेना है आपने। चूल्हे पर चढ़ा के आपने ये देखें 2 कप पानी लें। बाद में आपने क्या करना है, इसके अंदर 3-4 जो टहनियाँ हैं पुदीने की वो डाल दें। इसके बाद आपने इसको ढक्कन के साथ बंद कर देना है। अब दोस्तों, इसका ऊपर से ढक्कन उतार के देखते हैं अब ये किस तरीके से। ये देखें, इसका जो रंग है पुदीने का वो निकला है, ठीक है। आग को थोड़ा सा हल्का कर दें। अब आपने इसके अंदर 1 चुटकी अजवाइन की वो डालनी है। ये देखें, ये अजवाइन है 1 चुटकी, ठीक है। इसको अब दोबारा फिर इसके ऊपर ढक्कन रख दें। दोस्तों, आप देखते हैं अजवाइन के साथ इसका जो कलर है वो किस तरह का हुआ है। अब देखें, ये देखें, थोड़ा सा गोल्डन कलर का इसका जो रंग है वो हो चुका है। आपने क्या करना है, अब इसको चूल्हे को आप बंद कर दें। दोस्तों, आप इसका जो ढक्कन मैंने ऊपर से उतार दिया है, अब इसका कलर देखें, गोल्डन कलर हो चुका है इसका। पहले इसका जो सब्ज कलर था, अब इसमें जो अजवाइन डाली थी उसके साथ इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। आपने इसको पुनकर, अब दोस्तों इसके अंदर आपने एक अंदर जो लेमन है, नींबू है, उसका रस डालना है, ठीक है। दोस्तों, अगर किसी को शुगर का मसला है तो वो इसमें नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी का जो ब्लड प्रेशर हाई होता है वो नमक का इस्तेमाल ना करें, उसमें आप चीनी ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। अगर किसी को शुगर का मसला है वो चीनी इस्तेमाल ना करें, वो इसके अंदर नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हसब जायका, हसब ज़रूरत जो शुगर है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। अब दोस्तों, ये कावा तैयार हो चुका है, देखिए कितना खूबसूरत है। ये तजाबित के लिए, मेदे के लिए, दर्द के लिए, गैस के लिए, बदहजमी के लिए, खट्टी जो डकारियाँ थी उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये देसी कावा है। इसको बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। अब दीजिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे देसी हिकमत टिप्स चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखा करें, शुक्रिया। अब दीजिए देसी हिकमत टिप्स चैनल से मैं जात, अल्लाह ताला हम सब का हमी नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।